पिछले इंट्रोडक्शन ऑफ सेट समरी में सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके कुछ टाइप्स को आपके सामने पेश किया गया था। अब आज इसके सेट्स के सेकेंड पार्ट में, जैसा कि हमने बोला था पिछले दिन कि देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स, तो आज आपके बीच जो पेश होगा उसका नाम है सबसेट्स, जो सेकेंड पार्ट के पार्ट सेकेंड के अंतर्गत आएगा। सबसेट क्या है? यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स इस प्रकार हो कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो, तो बी को ए का सबसेट कहते हैं। लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कैसा? सच है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू द सेट ए, देन B is called subset of the set A, which is denoted by the symbol. देखे अब इसका एग्जाम्पल, इसे मान लिया जा कि यह लेट ए इज फोर फाइव नाइन, बी इज इक्वल टू फाइव नाइन, सी इज इक्वल टू फोर सेवन नाइन, डी इज इक्वल टू फाइव नाइन टेन, ई इज इक्वल टू फोर नाइन टेन। क्या देखा? बी में फाइव नाइन चेक करेंगे कि ए में है या नहीं, फाइव नाइन है ए में, इसका मतलब कि बी है ए का सबसेट। सी में फोर सेवन नाइन, देखें फोर सेवन नाइन, इसका मतलब कि सी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, इसलिए सी जो है ए का सबसेट है। लेकिन डी का फाइव नाइन तो है लेकिन टेन नहीं है, इसका मतलब कि जी जो है ए का सबसेट नहीं है। इसी प्रकार से ई का फोर नाइन तो है लेकिन टेन और इलेवन ये दोनों उसमें नहीं है, ई भी इसका सबसेट नहीं है। क्या लिखेंगे तो या चुकी ईच एलिमेंट ऑफ द सेट बी belongs to the set A, इसीलिए B is the subset of that. Similar. सबसेट ऑफ बट ईच एलिमेंट ऑफ सेट डी डज नॉट द
belongs to the set A. इसलिए D is not subset of नहीं रहेगा तो काट देंगे. D is not subset of E is not subset. जितने भी बिहारी लोग हैं सभी लोग इंडियन है. इसका मतलब कि बिहार जो है क्या सबसेट है इंडिया, लेकिन नेपाल में रहने वाले लोग इंडियन नहीं है. कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं है, सभी लोग नहीं है. इसका मतलब कि नेपाल जो है इंडिया का सबसेट नहीं है. इसको क्या लिखेंगे, यह बिहार इज द सबसेट ऑफ इंडिया बट नेपाल इज नॉट सबसेट ऑफ इंडिया. उसी तरह से जो भी अब हम लोग देखेंगे सुपर सेट क्या है. सुपर सेट सबसेट ऑफ ए देन ए इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ बी. क्या कहा कि यदि बी जो हो ए का सबसेट हो तो ए को बी का सुपर सेट है. देखिए डिनोटेड बाय आगे में है सबसे पीछे में है सुपर से. लेट ए वन ए बी सी डी बी इक्वल टू बी डी क्योंकि बी इज अ सबसेट ऑफ इसीलिए ये इज अ सुपर सेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए. ए इज अ सुपर सेट ऑफ बिहार इज द सबसेट ऑफ इंडिया. इंडिया इज द सुपर सेट ऑफ बिहार. क्या पढ़ेंगे इसको, बिहार इज सबसेट ऑफ इंडिया इज अ सुपर सेट ऑफ बिहार. नल सेट जो होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, पहली बात. दूसरी बात कि प्रत्येक सेट जो होता है एवरी सेट बी द सबसेट ऑफ इट सेट और नल सेट बी द सबसेट ऑफ एवरी सेट. नल सेट बी द सबसेट ऑफ एवरी सेट.
6 vida. Every 6 vida subset of itself. This is what number of subsets of any set ever have 2 to the power n, where n is number of elements of the set. Number of subsets of A बराबर और बोला 2 की पावर है 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 है subsets of A चार को होना चाहिए छोड़ दिया कि कितने एलिमेंट है 2 को 3 बराबर 2 ये फॉर्मूला में रख दिया n के जगह पर 2 भर दिया एन की जगह पर 2 भर दिया चार को तो होगा कौन कौन सबसेट्स ऑफ ए बराबर क्या लिखेंगे क्या पढ़े कि नल सेट बी द सबसेट ऑफ एवरी सेट से पहले फाइव लिख दिया नल सेट को फाइव से सीरीज करते हैं अब बना लेंगे इसका सिंगल टाइम फाइव सेवन अब प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है क्या हो जाएगा फाइव सेट चार हो गया 1 2 3 4 यदि इसका पावर सेट बनाना है तो कुछ नहीं करेंगे जितने भी आया है उसको एक सेट में बंद करें पावर सेट या शॉर्ट वे से लिखे पावर सेट ऑफ ए जितना भी आया फाइव पांच सात फाइव सेट इसको यह बंद कर बन गया पावर से पावर से का इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए लेट ए इक्वल ए बी सी क्या देख रहे हैं एन बराबर छह इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए टू टू दी पावर छह इक्वल टू 8 इसलिए सबसेट्स ऑफ ए बराबर ये फाइव लिखा है ना स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं लास्ट बिगिनिंग में भी लिख सकते हैं ये लास्ट में लिखे हैं मतलब शुरू करिए सिंगल टाइम ए बी सी पेयर बनाइए ए बी बी सी ए बी सी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 चाहे 8 इन दीजिए 5 हो गया सबसेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ ए दैट या पी ए जो भी आया है या ए बी सी ए बी बी सी सी ए बी सी फाइव सब जैसा कि आपने देखा कि जो भी सबसेट्स आए किसी सेट का यदि उसका एक सेट बना दिया जाए तो उसी सेट का पावर सेट कहलाता है इसका मतलब कि पावर सेट क्या चीज है पावर सेट क्या चीज है यही बोलेंगे कि ए सेट ऑफ सबसेट्स
Power set is written as P. And number of elements in power set of A barabar 2 to the power. Where N is number of elements of set A. अब देखें आगे पढ़ना तो देखेंगे क्या नोट में कोई भी नेचुरल नंबर जो होगा वह सबसेट होगा सेट ऑफ इंटीजर्स का. ये सबसेट होगा नेचुरल नंबर का. पहली बात, प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होता है सबसेट होता है रियल नंबर का. सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय टी. टी इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर. बट नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल. अगला है इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ. लेट ए बराबर ए बी सी, बी बराबर पी क्यू आर. नंबर ऑफ ए बराबर छ, नंबर ऑफ बी बराबर छ, दैट इज नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी. इसीलिए ए एंड बी आर इक्विवेलेंस. Equals let A equal A
हैं बी सी, बी बराबर बी ए सी, क्या लिखा चिट्ठी, इच एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी आर आइडेंटिकल, इसीलिए ए एंड बी आर क्या कहें एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ देयर एलिमेंट्स भी आइडेंटिकल, जिसका नाम है यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है, इसे मान लिया जाए कि ए कोई सेट हो और जो एक्स का सबसेट हो, एक्स जो हो ये का सुपर सेट हो, बी एक्स सेट हो वह भी सबसेट हो एक्स का, एक्स उसका सेट सुपर सेट हो, तो ऐसे पोजीशन में एक्स को यूनिवर्सल सेट है। इसका मतलब कि वैसा सेट जो सभी सेट्स का सुपर सेट हो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्या लिखेंगे, ऐसे विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, विच इज डिनोटेड बाई एक्स या लेट एक्स बार ए बी सी ए बराबर ए इक्वल टू ए, बी बराबर बी सी डी, सी बराबर ए ए बी, चूंकि ए इज द सबसेट ऑफ एक्स इसलिए एक्स इज द सुपर सेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ एक्स इसलिए एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ बी, सी इज अ सुपर सेट ऑफ एक्स इसलिए एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ दैट एक्स इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स ए बी सी, इसीलिए एक्स इज एंड यूनिवर्सल सेट। सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि इसके डेफिनेशन को और इसके एग्जाम्पल को गौर से पढ़ें, तभी इसके एक्सरसाइज बनेंगे, अदरवाइज एक्सरसाइज नहीं बनेंगे। सेट्स का वही फॉर्मूला है, डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल,
वही आपके लेसन को बनाएगा। देखिए आप लोग क्या जैसे कि लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ जैसे देखा कि 5 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो आएगा 2, वो अभी एक सेट है। 2 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, वो अभी एक डिजिट है। तो जिस तरह से 2 डिजिट का डिफरेंस 1 डिजिट होता है, उसी तरह से 2 सेट्स का डिफरेंस भी 1 सेट ही होता है। देखिए भाई, इसे मान लिया जाए कि लेट ए 4 5 7 बी 2 5 9 difference of a and b, that a minus b बराबर a के बराबर एक है 4 5 7 9 minus 2 5 9 10 देख 4 उसमें नहीं है, 4 लिखेंगे 5 5 5 एक कट गया, 7 7 उसमें नहीं है, 7 लिखेंगे या 9 9 9 कट गया, 4 ऐसे जो इसमें बचे उसी को लिखे, जो उसमें बचे उसको ले लिखे एंड बी माइनस बी के जगह पर बी का 2 5 9 10 11 माइनस 4 5 7 9 2 नहीं, 2 हो जाएगा, 5 5 कट गया, 9 9 कट गया, इसमें बचा 10 11, जो इसमें बचे उसी को लिखे, उसमें जो बचे उसको नहीं लिखे। इसका मतलब कि क्या देखा, ए माइनस बी का कौन है एलिमेंट, जो ए में हो बट बी में ना हो, बी माइनस ए में बी में हो बट ए में ना हो, तो क्या लिखेंगे कि इफ ए एंड बी बी द non-empty sets that difference of a and b, that is a minus bb also a set. Belongs to it, but does not belong to B. That X यदि A minus B में हो, इसका क्या मतलब कि X belongs to A, but X doesn't belongs to B. एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए का मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डायरेक्ट बिलोंग्स टू बी। इंटरवल, इंटरवल्स क्या है, इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं। इसे मान लिया जाए कि लिखा हो जैसे लिखा हुआ 3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 7, इसका मतलब एक इस फॉर्म में यह है सेट बिल्डर में, इसका टेबल देखेंगे तो क्या हो जाएगा। यदि मान लिया जाए कि थोड़ा थोड़ा इसको नाम यदि ये रख दिया जाए, इसका नाम भी रख दिया जाए, ये क्या हो गया है ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, या इस पर लिखेंगे ए कॉमा बी, और ये क्या हो गया भाई
इसका नाम रहेगा क्लोरिडा, इसका नाम रहेगा क्लोरिडा। उसी तरह से लिखा जाता थ्री लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू से, इसका मतलब तीन से बड़ा और सात से छोटा, यह दैट इज 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 यही दोनों नंबर। और इसको क्या लिखेंगे तो इसी तरह से यह a लेस देन एक्स लेस देन बी, देखिए इसको यह ऐसा लिख देंगे a कॉमा बी या a, और इसका नाम रहेगा अपोजिट इन्वर्टर ओपन इंटर। लिखा रहा था थ्री लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू से, इसका मतलब क्या होगा इसका 3, 4, 5, 6 या ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी या यहाँ पर इक्वल का साइन है इसलिए बंद कर देंगे, इक्वल का साइन नहीं है तो खुला कर देंगे या ओपन के लिए ऐसा नहीं। नाम क्या होगा इसका, इसका नाम हो जाएगा क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। अगला रहता थ्री लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू सेवन, दैट इज इसका क्या फॉर्म होगा 4, 5, 6, 7 ये देखो इक्वल नहीं है तो यह ओपन कर देंगे या छोटी ब्रैकेट भी ऐसा नाम इसका ओपन करो इसका मतलब कितना ही प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है क्लोज इंटरवल, दूसरे का नाम है ओपन इंटरवल, अगला हो गया क्लोज ओपन, इससे आगे ओपन क्लोज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द इंटरवल। इतना तक हम लोग पढ़े, अब हम लोग इसका जो रेस्ट पार्ट है पहले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट थर्ड, जिसमें कि दो सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, वेन डायग्राम, कंप्लीमेंट सेट, ये 4-5 चीज केवल बच जाएगा। इसके साथ ही आपका सेट्स थ्योरी संबंधी लेक्चर खत्म हो जाएगा। यदि आप लोग पूरा इसको अच्छे से पूरे कंसंट्रेट होकर के प्रत्येक डिफिनेशन और प्रत्येक एग्जाम्पल पर गौर करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और यदि नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी कई कितनों पढ़ेंगे तो फिर आपको दिमाग नहीं आएगा, इसलिए पूरे आप लोगों को सलाह दिया जाता है कि जितना भी थ्योरी पढ़ाया जा रहा है उस डिफिनेशन को गौर से पढ़ें और उसके एग्जाम्पल पर अपने आप को फोकस करें कि ये क्या एग्जाम्पल है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली है या नहीं, उस पर आपको गौर करना है। अब अगले लेक्चर में जो भी अगले बात अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर भी तभी समझ में आएगा जबकि इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स आज का पार्ट टू जो हुआ ये दोनों यदि समझ जाएंगे तभी अगला आपका पार्ट समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। इसलिए आप लोग पूरे जम के पढ़े, इतना पढ़े।